ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगू दुआ जो। ये बात क्या तुम मेरी आंखों में आंखें डाल कर कह सकती हो? हाँ बोल सकते हैं, बहुत खुश हूँ मैं। ऐसे रिश्ते में फायदे नुकसान इस सब का तुम नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? मतलब जिस इंसान को पहले ने कहा कि अहमियत नहीं मालूम वो दूसरे की क्या मालूम करेगी? मानूर के लिए मुनासिब नहीं है बाइक का सफर। मानूर की फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना उसकी फिक्र करने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है राजी, आप मुझे सिर्फ दो दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको किसी तरह पेमेंट करके तो आपके साथ ये डील फाइनल कर लूंगा, लेकिन उससे पहले आप प्लीज किसी और पार्टी से मिलिएगा नहीं। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगू दुआ जो। अम्मा हारून भाई ने इतनी जल्दी में शिफ्टिंग कराई, मुझे मौके नहीं मिला ताया जान और ताया जान का खुदाफस कहने का। वैसे आप तो गई थी वहां पे, क्या बात हुई? भाभी बेगम हमने घर खाली कर दिया है, ये मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं, सोचा जाते जाते आपसे मिलती चलूं आपको खुदाफिस कह दूं। अच्छा किया सकीना चली आई हो तुम, और वैसे भी मोहल्ला छोड़ने से रिश्तेदारियां कब खत्म हो जाती हैं? वैसे मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि रातों रात कौन सा प्राइज बॉन्ड निकला है आपका या कोई लॉटरी जीती है? किराया देना पड़ता है, डिपॉजिट है, रेंट है, या शायद फिर आपको लगता है कि मेरा बेटा अलादीन का चिराग है। नाजिया क्या कह जा रही हो, जो मुंह में आएगा बोल दोगी तुम? हारिस जो हकीकत है वही बता रही हूँ ना मैं। भाभी बेगम मैं चलती हूँ, मेहर घर पे अकेली है ना, उसे पैकिंग करनी है, मैं उसकी मदद कर दूंगी। सकीना प्लीज खाना खा के जाना। नहीं भाई साहब बहुत देर हो जाएगी, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। जब नजरों में थी तो अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता था कि हारून को किस तरह और कितना लूट रही, अब दूर चली जाएंगी तो ये भी नहीं पता चलेगा। अम्मा क्या सोच रही हैं, आपने बताया नहीं क्या बात हुई वहां पे? नहीं कोई खास बात नहीं हुई थी, बस मैं जल्दी में भाभी बेगम को खुदाफिस कह के आ गई थी, और तुम कितनी बातों नहीं हो गई हो, बातों में सारा वक्त गुजार दिया, अभी सिलाई का काम भी कर रहे हैं, जो मेरी मशीन लेके आओ। और हाँ किंजा की खालों को बता देना कि हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया है, कहीं वो लोग परेशान नहीं हो। जी मैं कर दूंगी काम। जाओ लेके आओ। चाय पी लो। जान हसीना क्या है? आप सो रही हैं? नहीं पागल हूँ, सोते में बोल रही हूँ। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो सुन रही हो। देखें जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, और आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये कहो ना तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो गया है? तुमने तो ये प्लान किया था ना कि दूसरी शादी करोगे, फिर ससुराल ने जो तुम्हारे ससुर ने जो तुम्हें घर दिया है उसमें जाके आराम से रहोगे, और मुझे तो तलाक दे दोगे है? तुम्हारा तो सारा प्लान चौपट हो गया है? यही हुआ ना तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मेरी कितनी ताकत है, कैसे बाराती को ससुराल पहुंचाया जाता है। तुम्हें क्या लगता था मैं आम औरतों की तरह बैठ के रोऊंगी धोऊंगी और उसके बाद चुप हो जाऊंगी, यही लगा था ना? मैंने कभी भी आपको आम सी लड़की तो समझा ही नहीं, जो कुछ भी हुआ जिसके लिए माफ कर दें, मैं मेरे दिल पे एक बोझ है वो हट जाएगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा आइंदा नहीं होगा। बस 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 इतनी नौटंकी ना करो मेरे साथ,
ये तुम्हारी कसमें वादे इन पे अब मुझे कोई भरोसा नहीं रहा। एक बात याद रखना कि अब एक और गलती करके दिखाओ फिर तुम्हें जान से छोड़ूंगी मैं, मार के रख दूंगी, समझे? सर में जो तोड़ा है मैं दबा देता हूँ। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। दबा देता हूँ ना। जाओ। माफी। जा रहे हो या? तला, तुम ठीक हो? ओके। I'm so sorry, इस तरह सामने। नहीं, it's okay, वैसे भी इसी की गलती थी। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो तला को पार्क जाना था। मैं छोड़ा था। Please, I insist, मैं ले जाता हूँ आपको। अच्छा। सलाम अकरम भाई। तू आज कैसे? तुझे तो कल आना था। अरे तो गुस्सा क्यों होते हो अकरम भाई? मालूम है कल आना था। आज तो बस मैं कंफर्म करने आया हूँ, डील डन है ना हमारी। देखो मैं अगली पार्टी को जबान दे चुका हूँ, मट्टी पलीद ना कराना। मैं मुराद नहीं हूँ जो जबान दे के बदलू। भरोसा नहीं है ना तो बेशक किसी और से सौदा कर दे। आज क्यों होते हो अकरम भाई? भरोसा है तभी तो आया हूं तुम्हारे पास, वरना क्यों आता? रखो ऐसे। तो फिर क्या करने आया? कल आना। दोस्ती यारी में चक्कर लगा लिया था अकरम भाई, बुरा लग रहा तो मैं तो चला जाता हूं। बोलो चला जाऊं? चला लो मैं। अब आप जिद भी करोगे ना, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आप रोज पे भागते हो, मामा की बात नहीं सुनते, ये भी नहीं सोचते कि आपको कुछ हो गया तो मामा क्या करेंगी। सॉरी मम्मा, आई प्रॉमिस, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आप बात नहीं करेंगी ना तो मैं आपको छोड़ के चले आऊंगा। कला, ऐसे नहीं कहते। आपके अलावा मामा का कोई नहीं, आपको पता है ना? कुछ खाओगे? हवन नक शक्लों से तो लग रहा है सीधे थाने से आ रहे हैं आप लोग हैं। दरअसल हम आपसे माजरत चाहते हैं, हमें इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था, और अगर ऐसा था तो फिर आपसे पूछना चाहिए था। भाई अगर निकाह करना भी था तो हसीना से इजाजत तो लेनी चाहिए थी ना। बड़ी जल्दी अकल आ गई, जब मेरा बुरा कर रहे थे तब एहसास नहीं हुआ था आप लोगों को? हम शर्मिंदा हैं बेटा। क्या करें आपकी शर्मिंदगी को, अगर ये निकाह हो जाता तो शर्मिंदगी का अचार डालना था मैंने। हैं, गलती हो गई, हमें एहसास है आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे तो इतना सर चढ़ के क्यों कह रही, गलती हो गई हमसे, जब की है गलती तो भुगतेगी। बता दे रही हूँ ये सब आपके दिमाग का खन्नास है, ये आपका किया धरा है सारा, आप ही ने अपने शौहर के सबके कानों में डाला। हसीना माँ नहीं बन सकती, हसीना माँ नहीं बन सकती है, इसी वजह से आपके वो जो सपूत है वो कबूल है कहने के चक्कर में दौड़ पड़े। लेकिन बात सुने,
अब हिस्से बकरों की तैयारी कर ले। ए, मेरी हसीना भी माँ बनने वाली है। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, और फिर तो बस फिर झगड़ा ही खत्म। लेकिन बहन, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। कौन बताता, ये पहले जो चांद चढ़ा लिया आपने, किसी ने बताया नहीं। अब जब आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है, तो हसीना को हमारे साथ भेज दीजिए। जब अपना घर है तो शोएब और हसीना हमारे साथ रहेंगे। आप यकीन रखिए कि हम हसीना और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं देंगे। बस कर दें बहन, बस कर दें। बहुत एतबार करके देख लिया, हसीना का ख्याल रखेंगे। नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, ये रिक्वेस्ट तो मैं ले ही नहीं सकती, ये रिक्वेस्ट तो किसी सूरत ले ही नहीं सकती। नुजर, मेरी बच्ची की पहली पहली खुशी है, मैं अपनी आंखों के सामने करूंगी। आपका क्या भरोसा कल कला को कुछ ना कुछ कह दे, भाई यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया। नहीं नहीं नहीं, अब आप सुने, जब पोता पोती होगा खैर से तो फिर ले जाइएगा। चले बहन, जिसमें आपकी खुशी, चले हम चलते हैं। लेकिन बहन देखिए, हमारी तरफ से दिल बुरा नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं, दिल तो बुरा हो चुका है भैया, दिल में तो बाल आ गया आपकी तरफ से, ठीक है। और एक और बात जरा गौर से सुन ले, मरने मराने से पहले जरा वसीयत कर जाइएगा मेरी बच्ची के और उसके बच्चे के नाम, जायदाद। आप बेफिक्र हो जाए, हमें भी असल से ज्यादा सूद की फिक्र। लो भैया, सूद, सूद तो हराम होता है, कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं कह रही हूँ ना, दिमाग में खन्नास है, जो बात कही है ना बस उस पे अमल कर लीजिए। अब आप लोग जाए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो कह के भेज रहे ना वो याद रखिएगा। कैसे तिनके की तरह सीधे हो गए ये तो। तिनके के पर डंडे पड़े, डंडे। बहुत अच्छा हुआ चाय भी नहीं पूछी। क्या जरूरत थी चाय का पूछने की, है वहां से खा पी के आए थे थाने से। और शक्लें देखी थी मेरी खुशखबरी का सुन के, ऐसे शक्ल ही उड़ गई सारी, हमास ही बाखता हो गया। वक्त मौत ले जाने का कह रही थी, कभी भी ना भेजती, सारा बांध टूट गया। तुम्हारे होते हुए मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अरे क्या कर रही हो तुम, लाओ मैं तुम्हारी कोई मदद करा देती हूँ। नहीं आपा, मैं कर लूंगी। शहजादी ने वैसे भी प्याज टमाटर काट दिए थे तो काफी हेल्प हो गई मेरी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लाओ आटा, लाओ मैं गूंद देती हूँ, रोटियां मिलके बना लेंगे। नहीं आपा, आराम की जरूरत तो आपको भी है। वो क्यों आपा, आपने मुझे बताया नहीं कि आपके घर भी खुशी आने वाली है। तुम्हें कैसे पता? वो आपके ससुराल वाले आए थे ना, तो मैंने अम्मा की बातें सुन ली थी। और क्या क्या सुना? नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, वो लोग आपको ले जाने के लिए आए थे और शायद अपने रवैये पे काफ़ी परेशान भी थे। किचन में आई थी मैं चाय बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं वो लोग चले गए थे। हाँ वो ज़रा जल्दी में थे। बहुत मुबारक हो आपा, मैंने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी थी। बस तुम्हारे तो फैली तो मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। अब मुझे पता चला कि आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखती थी। जब इंसान खुद इस अमल से गुजरता है ना, तो दूसरे का ज्यादा ख्याल रखता है। ये तो है, बस एक दूसरे की मदद करेंगे। आटा मैं गूंद देती हूँ ना, फिर सात रोटियां बना लेंगे, ठीक है? आटा वहां पर है। वैसे कहते हैं मंगनी के बाद जब चुपके चुपके लड़का मुस्कुराने लगे तो उसकी रुखसती कर देनी चाहिए। आपसे किसने कह दिया कि इंसान सिर्फ तभी मुस्कुराता है जब उसकी मंगनी होती? कुछ और सोच के भी मुस्कुरा सकता है। अच्छा बना रहे हो? उसकी जरूरत नहीं, वो काम मम्मी पहले से बहुत अच्छा कर रही है। यार अल्लाह अल्लाह करके तो घर में सुकून आया, बाजार गई हुई है मैडम, और तुम ऐसी बातें करके मेरी आजादी के एहसास को रंज में मुब्तला कर रहे हो। इस तरह की बातें मत किया करें, मैं मुखबिर भी हो सकता हूं। डील कर लें? क्या याद करेंगे आप, नहीं बताता हूं। थैंक यू जनाब, ये एहसान मंद रहेंगे आपके। अच्छा मुस्कुराहट की वजह नहीं बताई अभी तक। अब आज बाल बाल बच गया मैं। एक बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे आने लगा था, अब कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पहले हॉस्पिटल में भी मिला है मुझे,
बस उसी बात को सोच कर मैं मुस्कुरा रहा था कि कितनी बहस कर रहा था। यार शुक्र है अल्लाह का तुम दोनों बच गए। मैं सुबह ही सदका देता हूँ तुम्हारा और उस बच्चे का। ख्याल रखा करो यार अपना। वो सकीना मेहर कैसी है? गए थे वहां आज लंच पर? मैं वहीं था, मानूर और मुराद भी थे वहां पर। मुराद? कुछ कहा मुराद ने तुमसे? यार वैसे जहां शादी के लिए तुमने हाँ करके बहुत खुशी दी है, वाह, एक बात ना हैरान किया है मुझे कि तुमने उसी फैमिली का इंतखाब क्यों किया है। वो मंगनी में कितना हंगामा किया था मुराद ने। क्या वो बहसियत दामाद और बहनोई तुम्हें इज्जत देंगे? मानूर तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही है उन लोगों को अब तक। इज्जत तो वो मुझे देंगे अब्बा। और जहां तक मुराद की बात, आधी अकड़ तो उसकी खत्म हो गई, बाकी भी हो जाएगी। यार बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन एक मशवरा दे रहा हूं तुम्हें, फिर से सोच लो। शादी कोई एक दिन का खेल नहीं होता है। उसकी फिक्र ना करें, शादी में सोच समझ कर ही करूंगा। ये बताइए कॉफी पिएंगे आप मेरे हाथ की? कॉफी सोच ही रहे हैं, अच्छी बनाओ। जरूर पिएंगे, जाओ बनाओ। दूध थोड़ा ज्यादा डाल देना। हेलो अच्छे पापा। हेलो बेटा, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। कैसे जा रहे, जीत रहे नहीं? ओह नो, हार गया। ओहो, चलो अगली बार जीत जाओगे। मम्मा ने चेंज करने को बोला है, फिर सोऊंगा। स्कूल जाना सुबह? जी। आपको पता है आज आपके तलाक का एक्सीडेंट हो जाया था, शुक्र है पार्टनर अंकल ने बचा लिया। अच्छा, कहाँ स्कूल जाते है? आज तो मैं स्कूल नहीं गया, हम पार्क जा रहे थे जब तला मम्मा ने चेंज करने को बोला है वरना डांट पड़ेगी। गुड नाइट अच्छे पापा। मैं आप दोनों से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं नुज़त को कॉल कर रही हूँ, वो सब यहाँ पे आएंगे और हम फाइनली शादी की डेट फिक्स करेंगे। बहुत टाल मटोल हो गए। हाँ तुम कह तो ठीक रही हो, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? मेरा मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि आप कब तक रेडी हो जाएंगे? क्योंकि मुझे एक बात पता है कि मुझे शादी की तैयारी में सिर्फ 2 महीने चाहिए। आपको रेडी होने में कितने महीने चाहिए? थोड़ा वक्त तो लगेगा मुझे। समझ नहीं आती, माशाल्लाह जॉब में प्रमोशन हो गई है, गाड़ी मिल गई है, घर, तो फिर? सही कह रही हैं आप, लेकिन अभी मेरी नई नई प्रमोशन हुई है, इसके अलावा वैसे भी अभी ये और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने हैं। तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर शादी करके बीवी आएगी वो तुम्हारी डिमोशन तो नहीं करवाएगी ना? तुम्हारी बात सही कह रहे यार, देखो अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, अगर फिर भी कोई कमी है तो मुझे बताओ, मिलके कोई हल निकालते हैं इसका। नहीं वो तो आप ठीक कह रहे हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन मैं मुझे भी थोड़ा मेंटली तौर पर तैयार होना। अच्छा, कि जो लड़की आएगी वो तुम्हें मेंटली अनस्टेबल कर देगी? बात को समझने की कोशिश करें, इंसान जॉब पर जाता है, इंसान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता शादी के बाद। और वैसे भी ये बाबा मुझे खुद ही तो कहते हैं कि बीवी एक बहुत बड़ी टेंशन है। नहीं नहीं, मैंने यही कहा था कि बीवी जो है वो टेंशन खत्म करती है, ये कहा था मैंने। आप दोनों प्लीज इस बात को मजाक में मत डालें, हारिस मुस्कुराना बंद करें। मैं वाकई कह रही हूँ कि अब वक्त आ गया है, मैंने तुम्हारी शादी करवानी है, मैंने डेट फिक्स करनी है। मेरी तरफ से कर लें आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 2 साल के बाद की तारीख दीजिएगा, ठीक है? आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, मैं बाद में करता हूँ।
डेढ़ साल से दो साल हो गया, उसके बाद पांच साल हो जाएगा, फिर आठ साल हो जाएगा, वो मंगेतर क्या बुड्ढी होकर समझाते क्यों नहीं आप इसको, क्यों इतना जिद्दी है ये? क्या स्टैमिना है आपका? एक सांस में सब बोल जाती हो। अभी रहने दो इस चैप्टर को। देखो रिश्ते के लिए नहीं मान रहा था, मंगनी करवा ली ना उसने, शादी के लिए भी हाँ कर देगा। ये जो आपकी बेजा हिमायत है ना, उसकी वजह से ये बिगड़ा, ये सब आपका कसूर है। कब तक मैटर को बंद कर दे? ये ले पूरे 4 करोड़। कैसी बातें करते हो अकरम भाई, मैंने देख लिए, देख के सुकून आ गया। मुराद मैं सोच रही थी कि हम आज रात को डिनर करें, अगर आपको अच्छा लगे। Actually, I wanted to share my memories of this house with you. जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। तला बता रहा था आज उसका एक्सीडेंट होने लगा था। जी, सड़कों पर भाग रहा था। तो तुम कहाँ थी यार, रोका नहीं उसे? कोशिश की थी मैंने मुराद। और उस गाड़ी वाले को नहीं डांटा तुमने? मैं होता ना तुम्हारी जगह तो उसकी। जब गलती अपने बच्चे की हो तो बिला वजह क्यों मैं किसी और से झगड़ा करूं? जो भी है ध्यान रखो आइंदा, और कहीं जाना तो मुझे बता दो यार, मैं ले जाऊंगा। जी बेहतर। नाराज हो? नहीं, बहुत खुश हूं मैं। आई नो तुम नाराज हो, मैंने फोन पे कुछ ज्यादा बकवास कर दी थी। मुझे अब आदत हो गई है मुराद, आप क्यों परेशान हो रहे? नहीं गलती मेरी थी, लेकिन तुम्हें तो इस हद तक गुस्सा दिला देती हो कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकल जाता है। किसी से लिया हुआ उधार लौटाने के लिए पैसे मांगो तो गुस्ताखी लगती है ना। मैंने कब कहा है कि हम सिद्रा का उधार नहीं लौटाएंगे? लेकिन मुझे थोड़ा वक्त तो दो यार, सारी जमा पूंजी अपने में उस घर के सौदे पे करने लगा हूँ। दुआ करो कि सौदा हो जाए, तो फिर ना सिर्फ तुम्हारी दोस्त का उधार वापस कर देंगे बल्कि दोनों बहनों की शादी करा के मैं तुम्हारे सारे गिले दूर कर दूंगा। आपकी सारी बातें बजाय मुराद, लेकिन इन सारी बातों में मैं और तला कहाँ आते? तुम्हारे ख्याल से मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और तलाक के लिए कर रहा हूँ। अब आपकी सफाई मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई और बाकी अभी होगी। तुम सिद्रा से 2 माह का वक्त ले, उसके पैसे लुटा देंगे। भागे तो नहीं जा रहे ना उसके पैसे लेकर? जो भी है मुराद, देखो पैसे लौटाने तो हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन कम से कम इन पैसों की वजह से हमारा रिश्ता तो नहीं खराब होना चाहिए। मैं भी आपसे लड़ना नहीं चाहती मुराद, लेकिन आप देखें ना, मैंने सारी जिंदगी महरूमी में गुजारी और आपकी शक्ल में मुझे जो इकलौती खुशी मिली है, मैं नहीं चाहती मुझसे छिन जाए। आप प्लीज इसे मेरी इज्जत और मान के साथ सलामत रखें। फिक्र नहीं करो, ऐसा ही होगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। खाना खाएंगे आप? इतनी टाइट क्लास के बाद भूख तो नहीं लग रही मुझे, लेकिन चलो लेकर आते। भाभी, अम्मा कह रही थी कि मुराद भाई को ना जगा दें, साथ में नाश्ता करेंगे। काफी दिनों से अलग खाना पीना कर रहे हैं वो। मुराद रात को थोड़ा देर से आए थे तभी सो रहे, मैं कोशिश करती हूँ कि जाग जाए। बस ये आपके प्याज भी कट गए, ये लीजिए ऑमलेट के लिए तैयार है। बड़ी जल्दी सीख रही हो? सीखना तो पड़ेगा ना, बॉस का हुक्म है।
बॉस हारून का। अच्छा, कल आप अपनी अम्मा के घर गई थी ना, हारून से मुलाकात हुई थी आपकी, कैसे है वो? हाँ मिली थी, ठीक है, तुम्हारे भाई भी तो मिले थे। कोई बहस तो नहीं हुई ना उनके बीच में? नहीं नहीं कोई बहस नहीं, परेशान नहीं होती। वैसे ना आपके कज़न बहुत ही मुख्तलिफ हैं, मंगनी के बाद लड़के डेट पर लेकर जाना हक समझते हैं, पर जैसे मैंने उनको कहा ना मुझे समझाने लगे कि गैरतमंद मर्द अपनी औरतों को लेकर होटल और पार्क्स में नहीं जाते। उनकी ये बात सुनकर मैं फिदा हो गई। हेलो हेलो मानूर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे जवाब नहीं दे रही। हारून साहब, घर पे आप मिलते हैं तो आपसे ज्यादा ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता, और बाहर बाहर कहीं मुलाकात हो जाए तो पहचानने से इनकार करते हैं। कॉलेज के बाहर नजर आई थी ना आपको, मुंह फेर के चले गए क्यों? बस इतनी सी बात पर नाराज हो गई हो तुम? अच्छा, तो इतनी सी बात है ये आपके लिए ठीक है ना? अंदर जब यहाँ आएंगे ना तो अपनी चच्ची और मेहर से मिलके चलते बन लेगा, मुझसे मिलने की या बात करने की जरूरत नहीं है। बात को समझने की कोशिश किया करो, मेरे साथ सुबीर था और भी इतने सारे लोग थे, उनके सामने मैं नहीं मिलना चाह रहा था। नाउ कम ऑन, स्माइल। अच्छा ठीक है, चाय पियोगे? बना लो। अभी देखो। अरे भाभी पराठा जल गया, क्या कर रही है, कहाँ ध्यान है आपका? आप ना इसको साइड पे लगा दे, मैं जाकर ना बर्तन लगाती हूँ, वरना अम्मा ने देख लिया ना तो बहुत बुरा हाल करेंगे हम दोनों का। भाई रख दो चीजें, महंगी हैं, आराम से बैठो, अब बताओ आना कैसे हुआ। जी थैंक यू। अब मेरा नाम यासिर है, आप रिश्ते करवाने वाली नुसरत है? सारा मेला जानता है। जी आप, आपकी शोहरत सुन के ही तो आपके पास आया हूँ मैं। चलो अब जल्दी बताओ कैसा रिश्ता चाहिए, शर्माना बिल्कुल भी नहीं। अब आंटी वैसे तो मेरी वालदा आना चाह रही थी आपके पास, लेकिन वो चल फिर नहीं सकती, घुटनों की तकलीफ की वजह से व्हीलचेयर में। कोई बात नहीं, आजकल तो यही चल रहा है, यही चल रहा है, लड़के लड़कियाँ खुद को देख के पसंद कर लेते हैं, अम्मा जब ठीक हो तब आ जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। अब बताओ क्या है भैया, कोई खास डिमांड है कोई तो वो बताओ। नहीं आंटी बस मैं क्या बताऊँ, मुझे एक बस सीधी सादी सी घरेलू लड़की चाहिए, जिसको ना घर संवारने का, सजाने का शौक हो, ख्याल रखने वाली हो। वो क्या है ना कि आंटी मैं अमेरिका में रहता हूँ तो पाकिस्तानी खानों को तरस जाता हूँ, और अब अगर लड़की कुकिंग में माहिर होगी तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हद हो गई भैया, बिल्कुल हद हो गई। अच्छा अब ये बताओ कि एक सवाल और कि कट काट कोई शक्ल सूरत की कोई खास? नहीं कट काट शक्ल सूरत की कोई डिमांड नहीं है, बस मेरे से चलती हुई ना अच्छी लगे। ऐसा चलती भी तुमसे ज्यादा अच्छी लगेगी यकीन जानो। अरे ये वही मिसल हो गई, बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। अच्छा कोई ऐसी लड़की है आपकी नजर में? अरे है, नजर में नहीं है, घर में है, घर में मेरी अपनी बच्ची ऐसा खाना पकाती है कि यूं 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 उंगलियां चाटते रह जाओ, ऐसी घरदारी में माहिर है कि मैं बता ही नहीं सकती, बुलाऊं दिखाऊं? आपकी बेटी? चिराग लेके भी ढूंढोगे ना सारे जहान में तो यकीन कर लो झूठ में बोलती नहीं बिल्कुल भी, मेरी बच्ची जैसी कोई नजर ही नहीं आएगी। ये तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल वो क्या तुम्हारे अंग्रेजी में कहते ना कि कह के बनाया। बुलाओ जी। मलका मलका, अरे मलका क्या है शरारती? देखो ये आपकी बेटी है। देखा देखा मलका, इसको भी वो हो गया, बड़ी बहन लगती ना, सब ये कहते हैं बच्चियों की बहन लगती। अब ये अमेरिका से आए हैं, शादी करके अमेरिका ही जाएंगे, रिश्ता मैंने लगा दिया। एक्चुअली मेरी वालदा आना चाह रही थी, मैंने बताया वो आ नहीं सकती, तो
मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोग हमारे घर आ जाएं, इसी बहाने आपकी मेरी वालदा से भी मुलाकात हो जाएगी और आप हमारा घर भी देख लेंगे। यहाँ भी घर है? जी जी यहाँ भी। लो भैया अपना होगा। आ रहे हैं बस हम। तो मैं यूँ करता हूँ कि मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ, इस कार्ड के ऊपर मेरा पाकिस्तान का नंबर भी मौजूद है और मेरा व्हाट्सएप भी है, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा। हाँ गाड़ी भी साथ में ना? हाँ जी जरूर भेज दूंगा। तो आप लोग कल आ रहे हैं तो इकट्ठे चाय पीते हैं? अच्छा अल्लाह वो खैर से ले जाए, दूधो ना पूतो पलो जीते रोम भी। बस चलता हूँ मैं, आप कोशिश कीजिएगा कि इनको भी साथ ले आइए। हाँ 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 क्यों नहीं क्यों नहीं, हम वो नहीं है, इतने बैकवर्ड नहीं है, हम आएंगे जरूर आएंगे सब साथ। मुझे इंतजार रहेगा आपके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखूंगी बहुत तंग किया है तूने मुझे। हाँ मैं बता रही हूँ रिश्ता। अच्छा देखेंगे देखेंगे। सुनता नाराज हूँ मुझसे? नहीं नाराज नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सिद्रा, लेकिन मेरा यकीन करो वो पैसे मैंने मुराद को दे दिए थे, उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दी, उन पैसों की वजह से हमारे इतने झगड़े भी हो चुके हैं। अब पूछती हूँ तो कहते हैं कि 2 महीने का वक्त हो पैसे वापस कर दूंगा। तुम मुझे 2 महीने की मोहलत दे सकती हो? अनम मैं तुम्हें मोहलत तो दे दूं, लेकिन वो फिर भी बेफायदा ही है। भाभी ने मुझे जितनी बातें सुनानी थी ना वो मुझे सुना चुकी हैं और न जाने कब तक सुनाती रहेंगी। भाभी से बचने के लिए मैंने अपनी माँ की कंगन गिरवी रखवा दी जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सिद्रा, मुझे समझ नहीं आ रहा किन लफ्जों में तुमसे माफी मांगूं। अनम माफी मांगने से अगर कंगन वापस आ जाएंगे ना तो मांग लो, नहीं तो बेहतर यही होगा कि तुम इन 2 माह में मुझे पैसे वापस कर दो। जूलियन ने मुझे सिर्फ 3 माह का टाइम दिया है, अगर इन 3 माह में पैसे नहीं दे सकी ना मैं उसे तो मेरी माँ की कंगन नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कंगन मैं छुड़वा लूंगी, आंटी की आखिरी निशानी है वो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? I trust you. Thank you so much. नाराज की दूर हो गई तो चाय पियोगी? बना दो। अरे जैसे ही तुम्हारी कॉल आई मैं भागा चलाया कर भाई। हाँ मुराद ये ले पढ़ ले और साइन कर दे। इसमें लिखा है कि 3 महीने के अंदर अगर तूने मेरे 4 करोड़ वापस नहीं किए तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। इसमें एक तेरी तरफ से परमिशन लेटर भी है ताकि कल को असल मालिक दावेदार ना बन जाए, और तेरे मालिक की तरफ से भी एक परमिशन लेटर है, तू जाने और वो जाने, अच्छी तरह पढ़ ले और साइन कर ले। क्या बात करते हो करम भाई, पढ़ने लिखने के दिन गए अपने, तुमने कह दिया मैंने मान लिया। ये लो और ये लो। इधर भी यहाँ दिया आपने, इतने सारे तो निकाह भी नहीं किए थे। चले लो ये ले पूरे 4 करोड़। कैसी बातें करते हो अकरम भाई, मैंने देख लिए देख के सुकून आ गया। अरे अकरम भाई अब देखो मैं इस 4 के कैसे 8 और 8 के कैसे 12 करता हूँ। तुम्हारी रकम है जो चाहे करो, लेकिन एक चीज याद रखना, 3 महीने के लिए रकम दी है
तीन महीने से एक दिन भी ऊपर हुआ कुछ नहीं मिलेगा। अरे कैसी बातें करते हो, हो सकता है मैं 15 दिन में तुम्हारे पास आ जाऊं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी छुड़वा के रखूं, तुम्हें वापस कर दूं। सब प्रॉपर्टी हाथ लग गई है, डील फाइनल हो गया, फिर कोई टेंशन नहीं है। वैसे कहां हाथ मारा है? नहीं अग्रवाल, इस बार हाथ मारा नहीं है, इस बार नसीब से हाथ लग गया है। चलता हूं, मुबारक हो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भैया वाह, लॉटरी निकल आई मलका के रिश्ते की सूरत में हमारी तो। वाकई अम्मा, ऐसे अमेरिका का बिजनेसमैन यहाँ आया, रिश्ते की बात भी कर ली, अपने घर की दावत भी देके चला गया। भाई कमाल हो गया। हाँ हाँ, मुझे देखते के बाद फौरन दावत पे बुला लिया, इतनी खुश हूँ मैं। वाकई खुशी की तो बहुत है ये खबर। हाँ मेरे लिए भी खुशी की बात है आपा, और आपके लिए भी खुशी की बात है। देखे लोगों को तो लगता था एक आम से लड़के से मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन अब तो मैं शादी करके अमेरिका चली जाऊंगी और यहाँ सड़ते कुड़ते मरते रहेंगे सब। बात सुन मलिका, मेरा वीजा जरूर लगवाइयो। हाँ हाँ लगवा दूंगी। अच्छा वैसे अम्मा क्या पहनूंगी मैं? हैं क्या मतलब है, ये भी हमारे साथ जाएगी? हाँ बुलाया है, बुला के गए। मुराद ने ऐसा शोर डालना ना, याद रखोगी तुम अम्मा? मुराद को शोर मचाने के अलावा आता क्या है। मलिका बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया भाभी। अच्छा बात सुन मारू, तू भी चलना। है अम्मा कैसी बातें कर रही हो, खुदा ना खासा कोई तबीयत वबीयत खराब हो गई, ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगी, इसे एहतियात करनी चाहिए। ये भी ठीक है भैया, सही कह रही है। एहतियात तो आपको भी करनी चाहिए आपा, बरसों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है आपको। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी भाई? हाँ अम्मा, अम्मा ये सही कह रही है, एहतियात तो मुझे भी करनी चाहिए ना। हाँ अगर मेरी तबीयत ठीक होगी ना तो मैं भी जाऊँगी साथ। हाँ अच्छा अम्मा मुझे बताओ ना क्या पहनूं, मेरी सास मुझे पहली दफा देखेगी। अरे जो मर्जी पहन ले, पहली दफा मिले या आखिरी दफा मिले, पहली नजर में लड़के ने सादा कपड़ों में तुझे पसंद किया था, बस अब तू अमरीका को दिमाग में रख बस। माँ मैं अच्छा लगना चाहती। अच्छी लग, बुरी लग, तुझे करंट लग, जो मर्जी कर मेरी बला से। अच्छा ठीक है, तेरा वीजा नहीं लगाऊंगी ना, फिर दिल में करंट पड़ेगा तेरे। वो गहरा नीला जोड़ा पहन लीजिए। नीला नहीं पहनना, मैंने अच्छा पहनना है। लो ना अपना कोई अच्छा ससुर। 3 दिन तक मैं आपका इंतजार करूँ, लेकिन अगर चौथे दिन तक आप नहीं आए, then I'll have to move on. I'm sorry, I'm in a rush. आपको पता है। हेलो मुराद जी। हेलो, हाय मुराद, आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, अभी आप ही को कॉल करने लगा। चले अच्छा हुआ मैंने आपको कॉल कर लिया। वैसे बताएं आप क्यों इतने खुश हैं? वो आपसे मैंने कहा था ना 2-3 दिन में पैसे मेरे पास आ जाएंगे, पैसे तो मेरे पास आ गए, कहिए तो आपके पास आ जाएं। अरे वाह, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। आप बिल्कुल आ जाएं, अपना ही घर समझें मुराद, लेकिन पेपर्स तैयार नहीं हुए हैं, कल तक मिलेंगे। ओहो चलिए कोई बात नहीं, कल आ जाऊंगा। That sounds fantastic. पता है जब आपने पैसे देने की जल्दी हामी भर ली ना, तो मैंने फौरन ही कल रात का टिकट कंफर्म कर लिया। In fact, I've even packed. मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको घर की चाबी देकर जल्दी से यहाँ से चली जाऊँ। मामी डैडी के बगैर मेरा घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। सो तो है। मुराद मैं सोच रही थी कि हम आज रात को डिनर करें, अगर आपको अच्छा लगे। एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर माय मेमोरीज ऑफ दिस हाउस विद यू। क्यों नहीं, जहाँ कहेंगे आ जाऊंगा। थैंक यू, मुझे पता था कि आप इनकार नहीं करेंगे। आई विल सी यू देन, बाय। बाय मुराद जी। मेरा रंग चढ़ता जा रहा है इसमें, बस जल्दी से ये रंग पक्का करना है ताकि पानी के बिना मछली की तरह तड़पे। ये जाने जिंदगी।